नमस्कार दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से टीवी चैनलों पर और मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि पूरे देश में सीएबी हो रहा है। सीएबी क्या है आप सब लोग जानते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक जो कि मोदी सरकार लाई है, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया। और इस विधेयक ने जहां मोदी सरकार को एज पर ला दिया है, लोगों के निशाने पर ला दिया है, वहीं इसने कई पॉलिटिकल पार्टियों को टेस्टिंग पॉइंट पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। और लोग उत्सुकता से देख रहे हैं कि किस राजनीतिक दल का इस मामले को लेकर क्या स्टैंड है, किसका क्या राजनीतिक रवैया है, कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन इसके खिलाफ है। इसके अलावा सब लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका किस पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है, किसे क्या फ़ायदा हो सकता है, और कोई इसका विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और समर्थन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखिए, बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। आज हम मोदी सरकार और एनडीए इसके समर्थकों पर भी बात करेंगे और इसके विरोधियों पर भी बात करेंगे, और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी के पार्टनर हैं एनडीए के, वो क्या सोचते हैं, और जो उनके विरोधी हैं वो क्या सोचते हैं, और उन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस सीएबी का। देखिए, मोटा मोटा अगर लब्बो लुबाब मैं आपको बताऊं तो ये जो सीएबी है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2019 का, इसमें अमित शाह ने जब इसे पेश किया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से आए हुए जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। माइनॉरिटीज़ में उन्होंने सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू क्रिश्चियंस इन्हें रखा है, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं रखा है। अमित शाह का तर्क है कि चूंकि मुस्लिम्स इन देशों में बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी में हम नहीं रख रहे हैं, और ये मुद्दा केवल उन लोगों पर है जो लोग इन देशों से आए हुए हैं धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। मतलब उनसे मजहब बदलवाने के लिए कहा गया, उन पर आरोप किए गए, उन पर जुल्म किए गए, उन पर उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें आहत किया गया, उन्हें प्रताड़ित करके वहां से निकाला गया, और वो डरकर भारत में शरण ले चुके हैं। देखिए, नई दिल्ली में मजनू का टीला एक इलाका है जहाँ पिछले 5-6 साल से सैकड़ों हिंदू परिवार आकर रह रहे हैं, और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते हैं, हमें यहाँ की नागरिकता दी जाए। इस तरह के मुद्दे मोदी सरकार ने सामने रखे। अमित शाह ने कहा कि हमने इसी वजह से इन लोगों को यहाँ नागरिकता देने का फैसला किया है, क्योंकि इन लोगों को वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। विरोधी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है, मुस्लिम भी आए हुए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से, उन्हें भी आप यहाँ की नागरिकता दे दें तो बेटर रहेगा। लेकिन क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फ़िलहाल सीएबी का वास्तविक स्वरूप है उसको अगर लागू किया जाता है तो देश में लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, यानी कि 1.5 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे जिन्हें यहाँ की नागरिकता मिल सकती है, और इनमें से सबसे ज़्यादा 72 लाख पश्चिम बंगाल में हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि हम इसे नहीं लागू होने देंगे, जिस तरह से उन्होंने एनआरसी को नहीं लागू होने दिया। ममता बनर्जी का मानना है कि एनआरसी के माध्यम से बीजेपी ने उन लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश की है जो बांग्लादेश से आके यहाँ बरसों बरस से रह रहे हैं, और अब टीएमसी और ममता बनर्जी के वोटर बन चुके हैं, ऐसा राजनीतिक क्षेत्रों में परसेप्शन है। और ये जो 72 लाख जो अब सीएबी के प्रभाव से भारत की नागरिकता पाएंगे, इनमें से ज़्यादातर हिंदू वोट हैं, और ये ममता बनर्जी को लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, और इसी वजह से वो विरोध कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने 20 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है जिसमें सीएबी और एनआरसी के मुद्दे पर वो अपने सांसदों और विधायकों से बड़ी चर्चा करने जा रही हैं। इसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर भी शायद भाग लेंगे, और इसमें इस लिहाज से बातचीत होने जा रही है क्योंकि अगले साल कोलकाता नगर निगम के साथ साथ 91 नगर निकाय जो बंगाल के हैं उनमें चुनाव होने जा रहे हैं, और बंगाल के नगर निकाय चुनावों को ममता बनर्जी नहीं हारना चाहती,
उनका मानना है कि अगर इन चुनावों को नुकसान हुआ या 2020 में वे इन चुनावों में हारी तो 2021 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें ये परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि ममता बनर्जी हार रही हैं। और बीजेपी पिछले 3 सालों से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण स्टेट में अपनी पैर जमाए जाएं। वहाँ पर लगभग 45-48 के करीब लोकसभा सीटें हैं, 294 विधानसभा सीटें हैं। बात करा जाए तो इसका स्टेटस यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों के आसपास ही ठहरता है, और बीजेपी की बहुत बड़ी इच्छा है कि वो किसी तरह से बंगाल में घुस जाए। और बीजेपी के जो संस्थापक, जो जनसंघ के संस्थापक लोग हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल से जुड़े रहे हैं, और बीजेपी चाहती है कि कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इलाके में तो दबदबा अपना कायम किया जाए। और अब जबकि बीजेपी के सामने पूरा मौका है, वो पूरी दल बल के साथ अब सत्ता में है केंद्र में, और मोदी बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा लौटे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ वहाँ खेल कर दिया जाए। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से सीटें बीजेपी ने वहाँ बढ़ाई, उससे ये भी मैसेज गया कि बीजेपी वहाँ मजबूती से उभर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अब फोकस कर रही है NRC और CAB को पश्चिम बंगाल में लागू करने की। और अगर इस मुद्दे को ममता बनर्जी ज़्यादा उछालती हैं और ममता बनर्जी ने अगर इसका विरोध भी किया तो बीजेपी ये प्रचार कर सकती है और हिंदू मतों का पोलराइजेशन कर सकती है कि देखिए ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, हिंदुओं को यहाँ का नागरिक नहीं बनने दे रही हैं, और इस तरीके से मुस्लिम और हिंदू मतों में ध्रुवीकरण होगा और इसका नुकसान बीजेपी को, ममता बनर्जी को होगा और फ़ायदा बीजेपी को होगा। जब जब हिंदू मुस्लिम मतों का पोलराइजेशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को उसका फ़ायदा होता है, और यही वजह है कि बीजेपी अब पूरी तरह से फोकस कर रही है पश्चिम बंगाल पर। और TMC इसका विरोध कर रही है। TMC का कहना है कि देखिए आपने NRC के माध्यम से उन 14 लाख बंगालियों को इस बाहर निकालने का प्लान बना लिया है जो जाके रह रहे थे असम में, और इसलिए असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हिंसा हो रही है। आप देख रहे होंगे TV के माध्यम से किस तरह से वहाँ पर हिंसा हो रही है और विरोध किया जा रहा है। बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि इस हिंसा विरोध से CAB या NRC का मुद्दा रुकने वाला है। मोदी गवर्नमेंट इसे लागू करना चाहेगी और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से इसे पहले लागू करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी घबरा गई हैं बीजेपी से। राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो लगातार पश्चिम बंगाल में बने रहते हैं, उनका कहना है कि ममता बनर्जी अपने खिसकते हुए वजूद की वजह से घबरा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये NRC और CAB लागू हुआ तो उनका वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाएगा। अगर मैं बात करूं ध्रुवीकरण की, तो जो विधानसभा की 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, उनमें से 80 सीट ऐसी हैं जो हिंदू वोटर्स द्वारा डोमिनेटेड की जाती हैं, और इन पर बीजेपी स्ट्रॉन्ग खुद को मान रही है। इसके अलावा 40-50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10-15% तक ऐसे लोग हैं जो हिंदू शरणार्थी हैं और बाहर के देश से पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह से आकर यहां पर बसे हुए हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी को लग रहा है कि लगभग 100-120 सीटों पर ये जो CAB का मुद्दा है ये प्रभाव छोड़ सकता है, और अगर ममता बनर्जी ने इसे लागू नहीं भी किया तो उसके बावजूद भी ये बीजेपी को फ़ायदा दिलवा सकता है। तो ये परसेप्शन तो बन रहा है पश्चिम बंगाल का, और फिलहाल CAB के मुद्दे का सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। असम में उसकी सरकार है, वहाँ उसे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, और बीजेपी के अंदर से भी कुछ CAB और NRC को लेकर कुछ मतभेद वहाँ पर नज़र आए हैं, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि अडामेंट है कि वो इसे लागू करेगी। इसके अलावा अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने मना कर दिया है कि वो CAB के विरोध में हैं। उन्होंने कहा है कि ये धर्मनिरपेक्षता के ख़िलाफ़ है। हालांकि उन्हें ये लगता है कि इससे उनका समीकरण बिगड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी भारी संख्या में हिंदू और सिख बाहर से आके पाकिस्तान से आकर रह रहे हैं और उन्हें नागरिकता मिली, तो उनकी सिंपैथी और उनके रिश्तेदारों की सिंपैथी बीजेपी के साथ आ जाएगी और उसका उसे फ़ायदा मिल जाएगा। हालांकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जो कि बीजेपी का बरसों बरस से पार्टनर रहा है, उसका स्टैंड थोड़ा सा अलग इसके बारे में है। उसने संसद में तो इसका समर्थन किया CAB का, लेकिन जो सुखबीर सिंह बादल हैं, डिप्टी CM रहे हैं पहले वहाँ के,
और इस समय जो शिरोमणि अकाली दल के सबसे बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मुस्लिम को भी इसमें, इस मुस्लिम शब्द को जरूर इसमें शामिल करना चाहिए था। बहरहाल मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी बीजेपी से अभी मतभेद हो रहे हैं, और जब जमाना कहते हैं कि जब धंधा मंदा होता है तो मतभेद हो ही जाते हैं। देखिए अभी लोकसभा चुनाव में अकाली दल को बड़ी ख़राब स्थिति का सामना करना पड़ा पंजाब में, इसके अलावा उनकी सत्ता चली गई विधानसभा में, कांग्रेस वापस आ गई, तो अब इस समय शिरोमणि अकाली दल दबाव में है और वो चाहती है कि बीजेपी कुछ सीटों का बदलाव कर ले। जैसे कि लुधियाना सीट से, लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल लड़ती आई है हमेशा से, और अमृतसर से बीजेपी लड़ती आई है, तो ये चाहती है शिरोमणि अकाली दल के किसी तरह से दबाव बनवा कर इनकी अदला बदली कर ली जाए। तो हो सकता है कि बीजेपी, अगर बीजेपी को कैब के मुद्दे पर घेरा जाए तो वो उनकी बात से एग्री कर जाए। हालांकि मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, केरल विरोध कर ही रहा है। केरल में आपको पता है कि गठबंधन की सरकार है वाम दलों की, और इसके अलावा वहाँ कांग्रेस भी है और वो विरोध कर रहे हैं। वहाँ के जो विजयन है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने साफ़ कह दिया है कि हम सीएबी को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इससे हिंदू वोटर्स, हिंदुओं को फ़ायदा हो रहा है, मुस्लिम्स को नहीं। इसके अलावा शिवसेना अब अलग हो चुकी है बीजेपी से। महाराष्ट्र में जो कुछ कड़वे अनुभव हुए हैं दोनों के बीच में, उसे देखते हुए शिवसेना अपना स्टैंड इस पर लेना चाह रहे थे, लेकिन शिवसेना बड़ी मुश्किल में फंस गई, क्योंकि शिवसेना को का भी जो मेन वोटर है वो हिंदू वोटर ही हैं, और वो उसे लगता है कि इस मुद्दे से उसे नुकसान तो कुछ नहीं है, और अगर वो अब सेक्युलर बनने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि उसका जो बचा खुचा वोट बैंक है वहाँ पर, हिंदू वोट बैंक है, हिंदुत्ववादी एजेंडे पर शिवसेना चली है इतने साल, तो कहीं वो खिसक कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। तो उसने पार्लियामेंट में तो इसे पास हो जाने दिया, बायकाट कर दिया, बच गए कि किसी तरह से हम इस पे निशाने पर ना आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शिवसेना भी अंदर खाने चाहती है कि सीएबी को लागू कर दिया जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो बीजेपी के एलाइज हैं, जनता दल यूनाइटेड बिहार में, देखिए बिहार में अभी आने वाले साल में दो एक साल में चुनाव होंगे बिहार में, और वहाँ पर आपको पता ही है कि किस तरीके से बदलाव हुआ है। जेडीयू ने पहले लालू की राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, बाद में तीनों अलग हो गए और बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए। इस मुद्दे को लेकर जेडीयू का स्टैंड थोड़ा सा अटपटा सा रहा है। पहले तो उसके कुछ नेताओं ने एनआरसी का भी विरोध किया था, लेकिन बाद में सब समर्थन में आ गए, और उनका कहना था कि जो हमारे इश्यूज़ थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं और इसलिए अब हमें एनआरसी में कोई दिक्कत नहीं रही। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर एक जेडीयू का शिष्टमंडल असम गया, उसने ये सब चीज़ों को जानने की कोशिश की कि क्या हुआ एनआरसी में, सीएबी को लेकर क्या चल रहा है। उसके अलावा असम का एक शिष्टमंडल जेडीयू से आकर पटना में मिला और सारी चीज़ों का फीडबैक उन्हें दिया गया, लेकिन संसद में जेडीयू ने सीएबी का समर्थन कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहेंगे और साथ मिलकर सरकार, उनका जो चुनाव है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस लिहाज से जेडीयू का जो स्टैंड है वो क्लियर तो हो रहा है कि वो किसी भी हालत में एनडीए को नहीं छोड़ना चाह रही है, लेकिन जेडीयू के कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए जेडीयू के जो संसद में नेता हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने साफ कहा कि हम इसके साथ हैं, लेकिन जो पवन वर्मा राज्यसभा के एक्स एमपी हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि ये भारत की सेक्युलर इमेज के लिए ठीक नहीं है। हालांकि ललन सिंह का ये कहना है कि पवन वर्मा को अपना रवैया पहले बताना चाहिए था, अब बता रहे हैं जबकि हम संसद में इसे क्लियर करा चुके हैं। इसके अलावा जो प्रशांत किशोर हैं एनालिस्ट, जो मतलब एनालिस्ट क्या कहूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं अपने आप को, और जो कभी किसी पार्टी को मुझे नहीं लगता कि जितवा पाए हैं, और प्रशांत किशोर अक्सर बड़ा मोटा पैसा लेकर लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं किस तरीके से चुनाव आपके हैंडल करा सकता हूं, आपको जिता सकता हूं, तो एक अगर नीतीश कुमार के चुनाव को छोड़ दूं मैं तो और किसी चुनाव में तो उन्हें कभी सफलता मिली हुई मुझे दिखी नहीं है। वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, और अब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि जेडीयू को इसके खिलाफ जाना चाहिए सीएबी के। हालांकि जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं
प्रदेश अध्यक्ष का जो उनके वशिष्ठ नारायण सिंह, उनका ये कहना है कि ये निजी विचार हो सकते हैं प्रशांत किशोर के, लेकिन ये पार्टी के विचार नहीं है और पार्टी क्लियर कर चुकी है कि हम कैब का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। और राजीव रंजन ने तो साफ कर दिया है, राजीव रंजन का तो ये कहना है कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है और इसमें हमने सुधार किया है और कैब का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान में जबरन जो धर्मांतरण कराया जा रहा है इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल अलग है। तो इस मुद्दे को लेकर अब बिहार में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने सारे आकलन लगा रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि बिहार में कैब के मुद्दे को लेकर जेडीयू बीजेपी के साथ है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इसका विरोध किया जाए और ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जाए कि वो इस मुद्दे पर विरोध कर रही है। तो इन सब चीज़ों से देखकर तो साफ यही लग रहा है कि जो कैब का मुद्दा है, कैब का मुद्दा अब केवल ना सिर्फ बीजेपी और उसके विरोधी दलों के लिए बल्कि जो उसके सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। इस मुद्दे पर हम आगे बात करते रहेंगे, आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।